दोस्तों कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अभिमन्यु में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटिंग न्यूज़ और सरप्राइजेस लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि यार अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो यार काफ़ी लोगों को स्टूडेंट्स जो हैं यार जो अफोर्ड नहीं कर सकते गेमिंग जो गेम्स को, तो यार वो काफ़ी लोग मुझे लगभग एक दिन में 20 से 30 लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ करो कुछ करो, हमें फ्री में गेम्स चाहिए। तो यार उन सब के लिए काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि यार मैं अपने सभी अकाउंट्स पे जो है मैं 20 to 30% से लेके और 50% तक जो है मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ फ़िलहाल, और ये एक वीक तक चलेगा पूरा। तो जिसने भी जो है मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप सब वहाँ से मेरा नंबर लेकर मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में मैं रोज़ाना ही जो है फेक PSN अकाउंट्स पोस्ट करता हूँ। जिन मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता है फेक PSN अकाउंट क्या होता है, तो दोस्तों आई बटन में आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आप सब वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब अगली अपडेट ये है कि यार आज मैं अपनी सबसे महंगी परचेज़ करूँगा ऑफिशियल जो है, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी जो है आज मैं एक परचेज़ करने जा रहा हूँ एक गेम के ऊपर, जो कि है Tekken 7। बट अभी आप सबने देखा, सब लोग बोल रहे हैं कि यार Tekken 7 तो सिर्फ 3,000 रुपये की है, बट नहीं, मैं Tekken 7 का डिजिटल ड्यूलेक्स एडिशन को जो है मैं पे करूंगा, और उसके साथ में सभी के सभी DLC जो हैं वो भी ऐड करूंगा। मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा फ़ैन रहा हूं Tekken 7 का, बट तब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट अभी की बात अलग है। तो अभी जल्दी से मैं जो है अभी देखते हैं कि कितनी आती है कार्ट वैल्यू निकल के, एंड एंड में काफ़ी अच्छा सरप्राइजेस हैं मेरे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए, बिकॉज इट्स माई जॉब कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, तो मैं भी कुछ आपको गिफ्ट बैक करूं, ठीक है। तो पहला गिफ्ट तो आपको मैंने बता दिया कि आपको फेक PSN अकाउंट्स काफ़ी सस्ते रेट पे मिलेंगे। जो 4,000 रुपये का अकाउंट था पहले, वही आपको 2,000 रुपये में मिलेगा, और जो 2 का था वो आपको 1,000 में मिलेगा। तो भी जल्दी से Tekken 7 के सभी DLC को हम ऐड कर लेते हैं। Tekken 7 मैं ऑलरेडी कार्ट में ऐड कर चुका हूँ, तो ये देखिए अभी DLC 7 परचेज करते हैं, ज़ाफियाना। तो लगभग 500 रुपये का ये एक करेक्टर है। तो Tekken 7 की हमेशा से ही Tekken 7 बहुत ज़्यादा कॉस्टली रही है गेम, इसका एक एक करेक्टर लगभग 500 से 700 रुपये का कॉस्ट करता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये फारूक काम है, ये लगभग 500 रुपये का करेक्टर है, ये लेटेस्ट DLC Tekken 7 का आया था, तो इसको भी परचेज कर लेते हैं। हम कोई भी DLC छोड़ेंगे नहीं आज, पूरी की पूरी एक अल्टीमेट Tekken 7 बनाएंगे, जिस Tekken 7 में का कंप्लीट रोस्टर हो। तो ये नेगान है, मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है ये करेक्टर, बट इसको ऐड कर लेते हैं बिकॉज हम अल्टीमेट Tekken 7 बना रहे हैं, उसमें हर एक करेक्टर तो होना ही चाहिए। तो GC भी परचेज़ करते हैं, GC 670 रुपये का GC है, मेरा फेवरेट करेक्टर है, वन ऑफ दी मेरा माई फेवरेट करेक्टर इस GC, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं कार्ट में। दोस्तों चलिए आपको मैं बताता हूँ कि यार और क्या आपके लिए सरप्राइजेस हैं। दोस्तों आपके लिए एक और सरप्राइज़ है कि मैं अपने किसी 3 लकी सब्सक्राइबर्स को Tekken 7 खरीदने का मौका दूंगा, बट हाँ एट व्हाट प्राइस, आप प्राइस सुन के हैरान हो जाओगे। दोस्तों मेरी अभी जितनी भी कार्ट वैल्यू बनेगी, ये देखिए अभी लगभग 7,500 रुपये की जो है, लगभग अराउंड 7,500 रुपये की जो है मेरी कार्ट वैल्यू बन चुकी है, इसमें Tekken 7 का डिजिटल ड्यूलक्स एडिशन और थोड़े बहुत DLC हैं। अभी हम देखते हैं कि एंड में कितनी कार्ट वैल्यू मेरी निकल के आती है, तो मैंने कुछ एस्टिमेट लगाया है कि लगभग अराउंड 10 से 11,000 रुपये की ये अल्टीमेट Tekken 7 बनेगी विद ऑल कंप्लीट रूस्टर। दोस्तों आप में से किसी 3, दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ किसी 3 लोगों को ही ये Tekken 7 विद ऑल कंप्लीट रोस्टर विद ऑल कंप्लीट एंड पेड कैरेक्टर्स के साथ दोस्तों आपको ये पड़ेगी सिर्फ 10% कॉस्ट पे। तो अभी मेरी कार्ट वैल्यू फुल हो चुकी है, मेरी कार्ट फुल हो चुकी है बिकॉज हम 10 परचेजेस से ज़्यादा एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से कार्ट में जाते हैं, देखते हैं यार कितनी कार्ट वैल्यू बनी है मेरी फ़िलहाल, बिकॉज अभी तो कार्ट वैल्यू फुल हो चुकी है, और फिर बाद में आके देखते हैं कितने DLC मेरे रिमेनिंग हैं। दोस्तों ये देखिए मेरी कार्ट वैल्यू लगभग 8,000 के करीब बन चुकी है, एंड अभी भी कुछ DLC बाकी हैं जो मैंने कार्ट में ऐड नहीं किए, बिकॉज कार्ट में एक साथ सिर्फ 10 आइटम्स ही हम परचेज़ कर सकते हैं। ऊपर देखिए मैंने Tekken 7 परचेज़ की है, एंड ये सभी नीचे DLC हैं, इसके 500-600 रुपये का एक करेक्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि दोस्तों जितनी भी मेरी कार्ट वैल्यू एंड में निकल के आएगी किसी 3 लकी सब्सक्राइबर्स को जो है मैं Tekken 7 विद कंप्लीट रोस्टर जो है मैं हमेशा के लिए दूंगा सिर्फ 1,500 रुपये में। हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं,
आपको 11,000 रुपये की चीज़ आपको सिर्फ 1,500 रुपये में मिलेगी। और ये 1,500 रुपये भी आपसे मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि यार अगर तुम 11,000 की चीज़ 1,500 में दोगे तो तुम्हें तो प्रॉफिट वैसे भी कुछ होगा नहीं। दोस्तों ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, वैसे ही आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे लगभग 20 से 30 मैसेज रोज़ाना बच्चों के और स्टूडेंट के आते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों के आते हैं। दोस्तों एज एन अडल्ट यार हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है, एज एन इंडियन हमारा फ़र्ज बनता है कि अभी लॉकडाउन के टाइम हम सबको जो है कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन मैं इस वे में कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, जो लोग कर सकते हैं दोस्तों, उन दोस्तों इन 1500 से जो है मैं उनको गेम्स फ्री में दूंगा, ठीक है। एंड किसी एक जो मेरा लकी सब्सक्राइबर होगा दोस्तों, उसको ये कंप्लीट गेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, मुझे अच्छा सा कमेंट करना है कि टेकन 7 का कौन सा करेक्टर अच्छा लगता है और क्यों। और दोस्तों गिव अवे का जो रिज़ल्ट होगा वो मैं YouTube पर अनाउंस करूँगा। तो आई डोंट थिंक अब और कोई DLC बचा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई थिंक मैंने सभी DLC जो है ऐड कर लिए हैं। तो जल्दी से कार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कितनी बनी है मेरी कार्ट की वैल्यू और कुछ कितनी DLC मेरे बच चुके हैं। दोस्तों तो मेरी कार्ट वैल्यू लगभग 8,000 के अराउंड बन चुकी है एंड अभी भी लगभग 3 से 4 DLC बचे हैं जो मैंने कार्ट में ऐड नहीं किए, तो उनकी भी कॉस्ट जो है हम कार्ट वैल्यू में ऐड कर लेते हैं। तो जल्दी से एडऑन्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन से DLC मेरे छूट गए हैं। तो ये देखिए एक DLC 15 रहता है जो कि 250 रुपीस का है, फारुकाम मैं ऐड कर चुका हूँ। तो ये देखिए फारुकाम, ये भी मैंने कार्ट में ऐड किया हुआ है। उसके बाद गेन्यू भी मैंने ऐड कर लिया है, तो ये भी ऐड है DLC 11 का। DLC 12 लियोनी स्मिथ भी जो है मैंने ऐड कर लिया है, ज़ाफियाना भी ऐड है, निगान भी ऐड है, तो जूलिया मैंने ऐड नहीं की है, तो 500 रुपीस जूलिया का। तो उसके बाद जो है ये DLC 6 भी मैंने नहीं परचेज़ किया, तो एना विलियम्स और ली वुलगोंग, आई डोंट थिंक इनके नाम इतने मुश्किल क्यों हैं। दोस्तों तो 4 DLC बच चुके हैं जो मैंने अभी परचेज़ नहीं किए। तो व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं ताकि और कुछ अभी जो देखते हैं कितनी चीज़ें रह गई हैं। तो जिन पे ऊपर दोस्तों आपको इन कार्ट शो हो रहा होगा वो सब जो है मैं परचेज़ कर चुका हूँ, वो सब मेरी कार्ट में है इसका मतलब। तो जिसके आगे आपको अमाउंट शो हो रहा है मतलब वो अभी परचेज़ करना बाकी है। दोस्तों लगभग 2,000 रुपये की जो है परचेजेस अभी मेरी कार्ट में ऐड नहीं है, तो मतलब ये टेकन 7 मेरे को पड़ेगी 10,000 से ऊपर की, बिकॉज ये एक DLC 15 भी है जो 250 रुपीज़ का है। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे ये टेकन 7 पड़ रही है 10,250 रुपीज़ की। तो दोस्तों आप किसी 3 लोगों को मौका मिलेगा ये 10,250 रुपये वाली टेकन 7 को ख़रीदने का सिर्फ 1,500 रुपये में। अगर आपको भी टेकन 7 ख़रीदनी है बट किसी 3 लोगों को ही मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ जगह आप सब मुझे मैसेज कर सकते हैं और किसी एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें अपने इस अकाउंट से परचेज़ नहीं करूँगा बिकॉज ये मेरा पर्सनल है, तो मुझे गिवअवे में मुझे देना भी होगा, तो इसलिए आपको मैं दूसरे से परचेज़ करूँगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह का एक फेक PSN अकाउंट लेना है जैसे कि मैंने डाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास रेजिडेंट एविल 3 है, फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक जो भी रिसेंटली उसको 2 दिन हुए लॉन्च हुए मेरे पास वो भी है, CTR है, डेस गॉन है, WWE 2K20 है, शैडो ऑफ टॉम राइडर एंड अनगिनत गेम्स हैं, सबसे भी लेटेस्ट गेम्स हैं, बोलते बोलते मेरा मुंह थक जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसी तरह का एक फेक PSN अकाउंट लेना है एंड आप भी लेटेस्ट गेम्स अपने PS4 कंसोल पे इंजॉय करना चाहते हैं, तो अभी बेस्ट टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मैं इसी तरह की जो है अकाउंट से व्हाट्सएप पर रेगुलर पोस्ट करता हूँ, आप सब जाके जो है वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आपको यही अकाउंट आपको लगभग 1 से 2,000 रुपये में मिल जाएगा एंड अब इस लॉकडाउन के टाइम पे अब घर बैठकर बोर होने से अच्छा कि हम गेम प्ले ही करें। तो अभी मैंने रेजिडेंट एविल 3 को ओपन किया है, देखते हैं किस तरह की है गेम। तो रेजिडेंट एविल 3 जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप सब देखते हैं गेम फुली वर्किंग है और मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लेटेस्ट वर्जन पे था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप कोई भी क्वेरीज हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट।